वैसे एवरीवन माय नेम इज आदित्य, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज राइट नाउ अभी मैं हूँ पेट्रोल पंप में। सो गाइज अभी जस्ट मैं कॉलेज से आ रहा था, तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए थे। तो आज जाके मैं फ्री हुआ हूँ, तो मैं सोचा एक छोटा सा व्लॉग ही क्यों ना शूट कर लूँ। तो अभी मैं हूँ पेट्रोल पंप में, मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो इस वीडियो में रहना क्योंकि आज मैं जा रहा सप्लीमेंट खरीदने के लिए और उसके बाद चला जाएगा वेस्ट साइड, मुझे कुछ सामान भी खरीदना था जैसे स्लीपर्स। चलते यार अभी देखते क्या कुछ कर सकते हैं आज। पेट्रोल मैं भी आ चुका हूँ हेल्थ कार्ड स्टोर, ये मेरे पीछे है रहा, और चलते हैं यार। सो गाइस यहाँ से मेरा परचेजिंग हो तो गया डन, और भैया मेरे से मुझे काफ़ी कॉपरेट करते हैं, और ये रहा मेरा स्टैक देख सकते हो। चलते हो घर, फिर मैं दिखाता हूँ मैंने क्या कुछ परचेज किया है। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं गाइस इस स्टोर में नेक्स्ट मंथ। चलते हैं अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे वेस्ट साइड, और देखते हैं क्या कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। लाइक यहाँ का तो हो गया यार काफ़ी शॉपिंग। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे यार, कल मैं सप्लीमेंट्स लेके सीधा घर आ गया था, सोचा था कि जाऊँगा कपड़े की शॉपिंग करने यार, बट मेरे को टाइम नहीं मिला था। तो आज सीन कुछ ऐसा कि आज यार मेरा हॉलीडे है, आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, और सीन कुछ ऐसा कि मुझे अपनी कार की सर्विसिंग करानी है। तो मेरे पास विटारा ब्रेजा कार है, तो अभी चलते हैं यार, मैंने ऑलरेडी एक स्लॉट बुक करा रखा है वहाँ पे सर्विस सेंटर में, तो अभी चलते हैं वहाँ पे क्योंकि वैसे भी उनका टाइम स्लॉट 10:00 और अभी हो रहा है 10:40। तो जल्दी से चलते हैं यार, वहाँ दिखाता हूँ कि कार में क्या क्या सर्विस मुझे करवानी और वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। ऑल दो यार अलंकार पटना का जो सर्विसिंग है वो बेस्ट है, अभी तक मैंने जितना भी देखा है पटना में आई थिंक तीन है, एक अलंकार है, दूसरा कार्लो, और आई थिंक थर्ड है तिरुपति। तो ये सब में ना जो सबसे बेस्ट वो अलंकार ही है। तो अभी चलते। सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ और चलते नीचे। चुका हूँ और यार कार की कंडीशन कुछ ज्यादा ही गंदी है, मैं आपको दिखा, आप देख सकते हो लाइक इस पे कितना ज्यादा डस्ट है, और इस पार्ट को देखो यार लाइक कितना ज्यादा गंदी हो चुकी है मेरी गाड़ी, और डैशबोर्ड पे भी लाइक काफी ज्यादा गंदा है। तो अभी चलते हैं यार सर्विस सेंटर और इसको अच्छे से साफ करवाते हैं। यार एक देख रहे हो यहाँ पे भी काफी ज्यादा दाग आ चुका है, ये भी काफी गंदा है। कार तो यहाँ दे दी है, और एक हमारे साथ ही भैया है जो कार का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, और प्रोसीजर ये रहता है कि टेस्ट ड्राइव करके ना देखा जाता है कार में क्या क्या इश्यूज हैं, और कार स्मूथ चल रही है कि नहीं चल रही है, या क्लच में प्रॉब्लम है, या एक्सलरेशन में प्रॉब्लम है, या स्टीयरिंग में कोई इश्यूज है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। गाइस अभी हमें भैया बताने वाले कि हमारी गाड़ी में कौन कौन सा काम होगा। भैया बताइएगा क्या क्या हमारी गाड़ी में काम होना है इस बार। अभी तो 48,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, अभी इसका हिस्ट्री एक बार देख लेंगे, डीलर में काम होता होगा तो मेरे पास इसका है हिस्ट्री, देख लेंगे कि क्या कौन सी सर्विस खोज रहा, सिर्फ इंजन वाला ऑयल फिल्टर रिप्लेस होगा कि कूलेंट भी करना पड़ेगा कि डीजल फिल्टर करना पड़ेगा।
देखने के बाद हम बता देते हैं आपको। तो भैया ये कहना कि हमारा इस बार ज्यादा का खर्चा नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी 40,000 पे खर्चा हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा बड़ा खर्चा आएगा वो आई थिंक 60,000 पे आएगा। 60,000 पे, फिर उसके बाद 17,000 पे फिर नॉर्मल खर्चा आएगा, फिर 80,000 पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर जैसे डीजल फिल्टर असेंबली चेंज होगा, इंजन वाल फिल्टर, एयर फिल्टर, एसी। इवन गाइस अभी एक ऑफर भी चल रहा है ना कि आप बुकिंग करा के आओ तो आपको भैया क्या क्या फ्री मिलने वाला था? फ्री में है नाइट्रोजन है, अलाइनमेंट है, पंचर किट है। तो ये सही है गाइस, क्योंकि अभी मैं जब भी आता था तो मुझे अलाइनमेंट के मुझे अलग से पैसे देने पड़ते थे, और नाइट्रोजन तो मैंने आई डोंट थिंक मैंने कभी करवाया होगा। तो अभी सही है कि मुझे कुछ फ्री मिल गया। और वापस हम लोग आ गए शोरूम सर्विस सेंटर, तो अभी देते अपनी गाड़ी और देखते कितनी देर में सर्विस हो जाती है। गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है और ये रहा बिल, और फटाफट गाड़ी के अंदर चलते हैं, बिल में बताऊंगा और लास्ट में मैं बिल का एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि मेरे बिल कितने का है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कार का वॉक ओवर की कार कुछ किस तरह की दिख रही है, क्योंकि कार अभी अंदर वो थोड़ी साफ सफाई में लगी पड़ी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। सो गाइज मैं कार के अंदर आ चुका हूँ, एक से मुझे सीट एडजस्ट करने दो यार, ये काफ़ी ज़्यादा आगे इन्होंने कर रखा है। हाँ सही रहा, ये गेट भी। सो गाइज अब भैया आगे वेट कर रहे हैं, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, आपने कार का वॉक अराउंड देख लिया होगा, और मेरे कार का मैंने भी यहाँ पे बिल भी डाल दिया है। मेरे बिल टोटल 17,000 रुपीज़ की है, बट ठीक है, काफ़ी कुछ इश्यूज था जो रिजॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी था, वरना यार मुझे बाद में इससे भी ज़्यादा बड़ा फटका लग सकता था। सो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़।